कोल माइन के डिसमेंटल मकान में एक युवक चोरी करने के इरादे से घुसा था, जहां मकान की स्लोप उस पर गिर गई और मलबे में फंसकर युवक की मौत हो गई। कोल माइंस के शासकीय पुराने मकान जिसको कंपनी को पूरी तरह डिसमेंटल करना था, लेकिन कंपनी ने इसे पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया, जिस कारण गरीब बेसहारा लोग वहाँ लोहा और ईंट चोरी करते थे। लेकिन ये चोरी करना उस युवक को समय महंगा साबित हो गया, जब अचानक खंडित मकान में लोहा चोरी करने घुसे युवक के ऊपर स्लैब भरभरा कर गिर पड़ा, जिस कारण युवक दब गया और उसकी मौत हो गई। आज सुबह जब कॉलोनी वालों को इस बात की जानकारी मिली तो कॉलोनी वालों ने एकत्र होकर मृतक को निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर बॉडी को पीएम के लिए भेजा। ये बालाग तोड़वा रहे थे, सबको खाली करवाया, डब्ल्यूसीएल वाले को, प्राइवेट वाले को, जैसे खाली करवाए लोग, यहाँ के लोग जो भी मैनेजर है, जो भी कोई है यहाँ के, खाली करवाए तो उसी समय ये लोग उनको लेबिन करवा देना था, लेबल करवा देना था, ताकि ना कोई इसमें घुसे, ना ईंटा निकाले, ना राड निकाले, ना लोहा निकाले, ना कोई मरे यहाँ पे। इन लोगों ने लोगों को खाली करवा के दूसरे दूसरे जगह क्वार्टर दे दिया और इसको लेबल नहीं करवाया। इसी में हर लड़के लोग कोई राड निकाल रहा है, कोई ईंटा निकाल रहा है, बेचते थे दो पैसे के लालच में और दारू पीते थे, यहीं रहते थे और वो भी निकाल रहा था, ऐसे ही कुछ कर रहा था, वो उसी में दब के खत्म हो गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।